पंजाब सिलेंडर कर बता दिया लूट का माल। नई दिल्ली गाजियाबाद और आसपास के इलाके में मॉल की पार्किंग या आसपास खड़े हुए वाहनों की चोरी आम बात हो गई है। उसी कड़ी में गाजियाबाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और 3 वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं। गौरतलब है कि इन तीनों का एनकाउंटर होते होते बचा है। गाजियाबाद में बॉर्डर पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जब पुलिस चेकिंग कर रही थी उसी दौरान एक बाइक पर यह तीनों चोर आ रहे थे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो लेकिन यह नहीं रुका। उन्होंने आगे जाकर तमंचा भी निकाल दिया। इसी बीच पुलिस ने घेराबंदी कर इनको पकड़ लिया, नहीं तो दिन दहाड़े एनकाउंटर करना पड़ता। दूसरे साथियों की तलाश जारी। बहरहाल इन तीनों के पास से चोरी की एक बाइक बरामद हुई और फिर निशानदेही पर कई अन्य बाइक भी बरामद हुई। बताया जा रहा है कि मॉल और अन्य पार्किंग में खड़ी हुई बाइक पर यह पलक झपकते ही हाथ साफ किया करते थे। पुलिस इनके दूसरे साथियों की तलाश में जुटी हुई है, जहां पुलिस जल्द इनके दूसरे साथियों को भी गिरफ्तार कर लेंगी, जिससे इनके पूरे गैंग का पर्दाफाश हो पाएगा। ये चोरी के मामले में आज हमारे चौकीनचार सेवाधाम रूटीन चेकअप कर रहे थे बंसला नहर पर, तो एक बाइक पर 3 संदिग्ध सवार थे, तो उनकी चेकिंग की गई तो बिना नंबर की गाड़ी बरामद हुई। तो वो उन्होंने पूछताछ में अपने को पेशेवर चोर बताया, जो कि चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। चोरी की घटनाओं में पूछताछ में उनकी निशानदेही पर जो मौके पर एक बाइक बरामद हुई और बाद में 7 और बाइकें बरामद हुई जो विभिन्न स्थानों पर से उनके द्वारा चोरी की गई थी। ये तीनों जो है सात्विक किस्म के चोर हैं और संगठित रूप से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। ऑलरेडी इनके खिलाफ 4 मुकदमे लोनी बॉर्डर थाने पर दर्ज किए गए थे। 4 चोरी की बाइक वहां से बरामद हुई थी। 1 चोरी का मुकदमा इनके ऊपर दिल्ली के थाने में भी दर्ज है और ये सात्विक किस्म के चोर हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी आप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।